वेलकम बैक टू माय चैनल बायो पोस्ट तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी छः महीने में टू क्रैक सी एस आर नेट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट सो सिक्स मंथ में आप सी एस आर नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज़ अबाउट सिलेबस आपको अपने के सी एस आर नेट का फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइफ साइंस का एग्जाम uh, दे रहे हो तो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है वो आप एक बार देख लीजिए अब लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें थर्टीन यूनिट्स है या फिर आप कह सकते हैं उसमें थर्टीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको प्रिपेयर कर, कर करने पड़ते हैं सो द थर्टीन यूनिट्स जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं वो है बायो केमिस्ट्री सेल बायो मूल बायो सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन इकोलॉजी इवोल्यूशन जेनेटिक्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपलाइड बायोलॉजी मेथड्स इन बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स तो ये अलग अलग तेरह यूनिट्स है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं ये सिलेबस है पूरा सी एस आर नेट लाइफ साइंस का तो ये तेरह यूनिट्स आपको करके जाना पड़ता है सी एस आर नेट के एग्जाम देने के लिए आ, आप पहले सी एस आर नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए उसे एक बार ओवरलो कर लीजिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या टॉपिक्स उन सब्जेक्ट में से क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर हैं वो सब उसके बाद आपको ध्यान में रखना है सिलेबस होने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स अब ये जो तेरह यूनिट्स है इन तेरह यूनिट्स में से आप कौन से यूनिट्स स्किप कर सकते हैं और कौन से आपको पढ़ना है तो बेसिकली जो एनिमल फिजियोलॉजी है एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट है ये एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट आप स्किप कर सकते हैं और डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स ये एक यूनिट है डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म ये भी यूनिट आप स्किप कर सकते हैं तो ये दोनों यूनिट स्किप करके जो बाकी के ग्यारह यूनिट्स है उसे आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई करके जाना है एकदम डीप उसके एम सी क्यू सब कुछ पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए बस आप ये दो यूनिट स्किप कर सकते हो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने ये दोनों यूनिट स्किप किए तो अब एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन पोर्शन जो है सी एस आर ने सी एस आर नेट ने जो दिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट भी है और इतना ध्यान में भी नहीं रहता इसलिए आप एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स स्किप कर सकते हैं और जब बाकी जो बाकी के जो ग्यारह यूनिट्स बचे हैं उसे आपको प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा उसके बाद जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डेवलपमेंटल बायोलॉजी उनके यूजी या फिर पीजी में नहीं था तो ये सब्जेक्ट उनको हार्ड जा सकता है या फिर समझ में समझने में थोड़ा डिफिकल्ट भी जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे यूनिट्स जो आपको हार्ड जाते हैं वो पहले प्रिपेयर करना चाहिए फर्स्ट ताकि उस उसको हम बार बार रिवीजन दे सके इसलिए जो यूनिट्स आपको हार जाते हैं या फिर आपको उस यूनिट के बारे में कुछ भी पता नहीं है उसकी थेरी या फिर कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे यूनिट्स आप पहले प्रिपेयर कीजिए उसके बाद जो यूनिट्स आपको पता है उसके बारे में आपने यू जी में अगर पढ़ा होगा वो यूनिट्स बाद में रखिए तो जो यूनिट्स आपको हार जाते हैं वो यूनिट्स पहले कीजिए और जो आपको पता है वो बाद में कीजिए उसके बाद जो टॉपिक आपने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल आपने जेनेटिक्स से शुरुआत की जेनेटिक्स अब जेनेटिक्स में आपने पढ़ा रिगार्डिंग लॉर्ड स्कोर अब लॉर्ड स्कोर के बारे में पढ़ने के बाद तुरंत इमिजिएटली उसके ऊपर जो भी एम सी क्यू आए होंगे प्रीवियस ईयर या फिर आ, किसी बुक में से तो इस टॉपिक पर मैं पर से जितने भी एम आपके पास हो गए वो सारे एम सी क्यू इमेडिएटली सोल्व कीजिए इससे क्या होगा आपका जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा वो जल्दी याद आएगा आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं इसीलिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो इमीजिएटली उसके ऊपर जितने भी एम सी वो जल्दी से इमीजिएटली सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझ में और वो कंसेप्ट आपको फिर बहुत जल्दी याद भी हो जाता है उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कीजिए अब जो पेपर्स है पेपर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी एस आर नेट के वो गूगल पे अवेलेबल है तो आप वो डाउनलोड करके लास्ट टेन ईयर्स के भी डाउनलोड करके आपने सॉल्व कर लिए तो भी बहुत है तो अगर आपका जैसे अगर जेनेटिक्स आपने शुरू किया जेनेटिक्स का जेनेटिक्स यूनिट आपका फिनिश ख़त्म हो गया उसके बाद आप क्या कर सकें जैसे ही आपका एक यूनिट खत्म हो जाएगा उस पर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे किसी भी एक पेपर में वो सारे सॉल्व कर लीजिए एक दिन बैठ के उस यूनिट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आ, कैसे क्वेश्चन आते हैं एक पर्टिकुलर यूनिट में से और किस तरीके से वो सी एस आर नेट पूछते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन डालते हैं रिगार्डिंग द तो पर्टिकुलर यूनिट तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें बुक्स कहाँ से ले तो पेपर्स तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर्स हैं वो तो गूगल पे अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आपको और चाहिए तो पाथफाइंडर की जो बुक आती है एमसीक्यू की वो आप रेफ़र कर सकते हैं या फिर टेस्ट एंड इवेल्यूएशन एक बुक आती है पाथ फाइंडर की ही वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं आपने अगर इतना भी रेफ़र कर लिया तब भी बहुत है इतने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए तब भी बहुत हो गए तो आप पाथ फाइंडर की बुक्स रेफ़र कर सकते हैं और पेपर आप गूगल से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते प्रवियस ईयर लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना मत कभी भी वो सॉल्व करके ही जाना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद हाउ टू तो रिवाइज अब जैसे आज आपने पढ़ा जेनेटिक्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस और कल आप पढ़ने जा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस डाई क्रॉस तो कल जब आप डाईब्रिड क्रॉस पढ़ने जाओगे उसके पहले जो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज पढ़ा है उसका ओवरलुक कर लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा क्वेश्चन कौन से सॉल्व किए एक बार पूरा ओवर लुक कर लीजिए उसके बाद डाहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना अब उसके बाद आपने डाहाइब्रिड क्रॉस के बाद अगर आपने पढ़ा लॉर्ड स्कोर तो लॉर्ड स्कोर पढ़ने से पहले मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों कंसेप्ट पहले अभी पहले पढ़ लेना बाद में लॉर्ड स्कोर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना इससे क्या होगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ध्यान में रहेगा कि पिछले बार पिछले दिन हमने क्या पढ़ा और बाद में न्यू टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको कंसेप्ट भी अच्छे से याद हो जाएगा और इस तरह आप रिवीजन कर सकते हैं जो पिछले बार पढ़ा पढ़ा है वो नेक्स्ट डे पढ़ना और रिवीजन करते करते क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी रिवीजन करते करते रिवीजन करते करते और इस तरह आप रिविजन रिवाइज कर सकते उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट ए जो सी एस आर नेट में जनरल एप्टीट्यूड आता है तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जनरल एप्टीट्यूड कहाँ से प्रिपेयर करें तो जनरल एप्टीट्यूड अगर आपका मैथ्स या फिर लॉजिकल रीजनिंग आपका बहुत अच्छा है तो आप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत है लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं याद आता तो आप पाथफाइंडर की बुक रेफर कर सकते हैं पाथफाइंडर की एप्टीट्यूड बुक आती है आपने वही रेफर कर ली तब भी आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पाथफाइंडर ये दोनों विल बी हेल्पफुल टू फॉर एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप छः महीने में अगर ये पॉइंट्स याद करके कंसिस्टेंसी रखें पूरे छः महीने तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सी एस आर नेट क्रैक कर सकते सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स थैंक यू